नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे संसद की शक्तियाँ, यानी कौन कौन सी पार्लियामेंट के जो पावर हैं उनकी बात कर रहे थे। विधायिका की बात की थी और उसमें हमने अलग अलग लोकसभा की शक्तियों की बात की, राज्यसभा की शक्तियों की बात की और फिर हमने है वो संसद के कार्य देखे। संसद के कार्य में हमने कहा कि संसद की विधायी शक्तियाँ, यानी कौन सी जो विधि निर्माण कानून निर्माण के अंतर्गत संसद की शक्तियाँ। फिर हमने देखा कि संसद की है वो कौन सी कार्यपालिका, यानी सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने को हेतु, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कौन सी शक्तियाँ हैं संसद की, उन पर हमने बात की थी मोटे तौर पर। आगे बढ़िए, हमने तीसरी जो शक्ति बात की थी वो वित्त की, यानी संसद किस तरीके से वो सरकार पर नियंत्रण रखेगी, किस तरीके से धन का खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना आय है, क्या व्यय है और उसके लिए क्या करिए संसद है वो बजट के बारे में सरकार से चर्चा करती है जब बजट सत्र होता है उस समय। फिर हमने बात की थी कि संसद है वो किस तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है, अलग अलग भूभाग चाहे क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक आर्थिक या धार्मिक आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पर है वो संसद उनको क्या करेगी, प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी। तो ये कुछ एक मोटे तौर पर हमने मुद्दों पर चर्चा की थी। आगे हमने बात की थी संवैधानिक जो कार्य है वो किस तरीके से संसद करती है, संवैधानिक कार्य यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो संशोधन करने का कार्य है वह किस तरीके से संसद कार्य कर रही है। हमने देखा था कि जो संसद है उनको दोनों ही सदनों को संविधान में संशोधन करने की समान रूप से शक्ति है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों समान रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कोई चीज जोड़नी है, कोई हटानी है या फिर नवीन रूप से उसका समावेशन करना है तो समान पावर होंगे। फिर हमने कहा था जो संसद है वो किस तरीके से बहस का एक मंच है, किस तरीके से वाद विवाद हेतु सर्वोच्च मंच है, ताकि सभी सांसद वो सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, सदन में पूर्ण गरिमा के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। आगे जो हम देखेंगे संसद की अन्य दो चार शक्तियां हैं, संसद की जो सातवीं महत्वपूर्ण शक्ति है वो है निर्वाचन की शक्ति, यानी संसद किस तरीके से जो बड़े पदाधिकारी राष्ट्रपति उनके चुनाव में किस तरीके से भाग ले रहे। संसद चुनाव संबंधी भी क्या करती है प्यारे बच्चों, कार्य करती है और उसमें हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव को हम देखेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के कैसे सदस्य निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के हैं वो भी निर्वाचित सदस्य भाग, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ये दोनों ही सदन है वो भाग लेंगे, हालांकि विधानसभाओं के सदस्य वो भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात है वो किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर संसद की कर रहे हैं। तो संसद के जो दोनों सदन है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का काम कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो भी इसमें क्या करेंगे, संसद के दोनों ही सदन भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभाएं वो भी दोनों भाग लेंगे, इसमें विधानसभाएं भाग नहीं लेती। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन के अंतर्गत संसद भाग लेती है, इसलिए संसद है वो क्या है, न्याय निर्वाचन का कार्य भी कर रही है। आठवां महत्वपूर्ण जो संसद का कार्य है वह है न्यायिक कार्य, क्या है, जुडिशरी कार्य किस तरीके से वो कर रही है कि संसद न्याय स्थापित करने का काम है वो कर रही है। हम देखेंगे कि भारत के ये राष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाए जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने से संबंधित कार्य है वो संसद के क्या कार्य कहलाए जाएंगे, न्यायिक कार्य कहलाए जाएंगे। न्यायिक कार्य कैसे होंगे, हम देखेंगे कि जो संसद है वो क्या करे, राष्ट्रपति जी को पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाना, क्या करोगे, महाभियोग लाओगे, राष्ट्रपति को पद मुक्त करना है तो क्या करोगे, हम महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, कौन लाएगी, संसद लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन के अंतर्गत इंपीचमेंट है वो लाया जा सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले लोकसभा में लाओ कोई राज्यसभा में लाओ, लोकसभा में लाया तो लोकसभा में पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा मंजूरी देगी, और उसी तरह राज्यसभा में पहले लाया तो लोकसभा है वो मंजूरी देगी। तो प्रथम न्यायिक कार्य आ जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर यदि महाभियोग लगाना है तो संसद की शक्ति है वो होगी। दूसरी बात है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो
तो अभी संसद की है वो महत्वपूर्ण शक्ति है कि उपराष्ट्रपति से पद मुक्त करने के लिए उनको भी हटाने का काम है, वो संसद का कार्य होगा, ये न्यायिक कार्य कहलाया जाए। मोटे तौर से यदि देखा जाए तो संसद के इसमें दोनों सदन काम इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति यदि देखा जाए तो राज्यसभा में नियत होती है। राज्यसभा है वो इस मत को पारित करेगी, लोकसभा एक संकल्प को है वो पास करेगी। लोकसभा कुछ नहीं, एक रेजुलेशन पास करेगी, इसके ज्यादा है वो लोकसभा कुछ नहीं करेगी, लेकिन रेजुलेशन पास करने के बाद भी उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है। फिर तीसरा देखेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट SC के जो जज है उनको भी कौन हटाने का काम कर सकते हैं, उन पर महाभियोग लगाना तो संसद के किसी भी सदन के अंतर्गत लाया जा सकता है। और ऐसे एक दो घटनाक्रम हुए थे कि जब रामास्वामी करके एक व्यक्ति हुए उनको संसद है वो उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाई, जो कि पंजाब और हरियाणा जो कोर्ट के जस्टिस रहे हुए थे उनके ऊपर महाभियोग लाया गया। उन्होंने वहां पर वित्तीय अनियमितता का कार्य किया, लेकिन पूर्ण बहुमत से मामला पास नहीं हो पाया और उन्होंने भी अपने पद से वो इस्तीफा दे दिया, यानी महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, उससे पहले उन्होंने पद त्याग कर दिया था, वो एक अलग इश्यू था, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद लाएगी। फिर हाईकोर्ट SC हाईकोर्ट के जस्टिस है तो उन पर भी क्या है उनको पद से मुक्त करने का काम है, वो भी कौन करेगी तो संसद करेगी। ये संसद के कुछ एक न्यायिक कार्य है, क्या है न्यायिक कार्य। तो आपसे पूछा जाए कि संसद के न्यायिक कार्य बताइए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को पद से हटाने संबंधी कार्य है वो क्या किए जाएंगे, वो संसद के कार्य किए जाएंगे। तो ये वैसिक आपके कार्य आ गया न्यायिक। आगे बढ़ते हम लोकसभा और राज्यसभा की, इन शक्तियों को आप एक चार्ट के रूप में देखिए तुलनात्मक रूप से कि किस तरीके से इनकी शक्तियों के अंतर्गत क्या है ये राज्यसभा व लोकसभा की। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां वो किस तरीके से तुलनात्मक रूप से आपको देखनी है, दोनों में तुलनात्मक कार्य करना। तो ये तो हमारी लोकसभा हो जाएगी, लोकसभा, और ये है हमारी राज्यसभा। लोकसभा की शक्तियां कौन सी उनको देखो, लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है तथा धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत करने का कार्य करती है। अब जो लोकसभा का कार्य होगा वो संघ सूची यानी केंद्रीय सूची, जो संघ सूची से और दूसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य को ही लोकसभा को यह पावर है कि जब इन दोनों में किसी को विवाद पैदा होने की स्थिति में कौन है वो लोकसभा द्वारा मान्य कानूनी मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे संघ और समवर्ती सूची पर विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, लोकसभा को है, राज्यसभा को उसके बजाय गौण स्थिति है। और राज्य जो लोकसभा है वह धन विधेयक के मामले में क्या है उसको सर्वाधिक शक्तियां हैं, किसके बजाय राज्यसभा के मामले में। धन विधेयक पर देखा जाए तो ज्यादा पावर है लोकसभा को, क्योंकि कोई भी धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा और लोकसभा की मंजूरी आवश्यक है। अब यदि धन विधेयक को राज्यसभा में हम पेश करेंगे राज्यसभा उसको मंजूरी नहीं देगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सरकार है जिसका बहुमत लोकसभा में वहां पास आउट हो जाएगा तो विधेयक पास माना जाएगा। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा उसको 14 दिन की समय अवधि तक क्या कर सकती है प्यारे बच्चों, रोकने का कार्य कर सकती है, इसके अलावा उसका कोई पावर नहीं। तीसरी बात है कि जो लोकसभा है लोकसभा को सामान्य जो विधेयक के बनाने में भी प्रस्तुत करने में और पारित करने में भूमिका रहती है, तो ये महत्वपूर्ण बात है सामान्य चीज के अंतर्गत। उसकी तुलनात्मक में आप देखोगे कि राज्यसभा सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है, धन विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव को धन विधेयक के मामले में संशोधन प्रस्ताव रख सकती है, संशोधन प्रस्ताव रख सकती है। अब संशोधन करे या नहीं करे वो लोकसभा पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये प्रस्ताव रख सकती है, संशोधन है वो लोकसभा करे या नहीं करे उस पर निर्भर करेगा, नहीं करेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करेगी तो अभी कोई बात नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये 14 दिन तो कहें धन विधेयक के बिल को रोक सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, रोक सकती है कौन, राज्यसभा। ठीक है आगे बढ़िए, दूसरा बिंदु, दूसरा कह रहा है कि जो लोकसभा कर के प्रस्ताव टैक्सेस बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों पर क्या करती है, स्वीकृति देने का काम करती है। तो ये टैक्सेस से संबंधित है, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित अनुमति है वो कौन देगी, हमेशा लोकसभा ही देगी। ठीक है फिर संवैधानिक संशोधन को पारित करती है कौन, राज्यसभा पारित करती है।
तो संवैधानिक जो संशोधन हुए उनको पारित करने का काम राज्यसभा कर रही है, लेकिन लोकसभा भी ये कार्य कर रही, तो ये इन दोनों में क्या है, समानता। क्या है? समानता, यानी संविधान संशोधन के मामले में दोनों ही क्या है, बराबर है। फिर तीसरा है लोकसभा प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती। अब लोकसभा क्या करेगी, सरकार को है वो प्रश्न पूछ करके आपने इस समय अवधि में शिक्षा पर कितना खर्च किया, एक साल की समय अवधि 17-19-20 की समय अवधि में आपने क्या क्या खर्च किया। पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई प्रस्ताव लाकर काम रोको प्रस्ताव लेकर आए और काम रोको प्रस्ताव के तहत उसको रोकने का काम किया, या फिर क्या है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो लोकसभा को है सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, और यदि नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कहां पर है, अविश्वास का प्रस्ताव कहां पर ला सकते हो आप, लोकसभा में ला सकते हो, बल्कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव की कोई भूमिका नहीं है। राज्यसभा में इस तरह की भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि स्थायी सदन है, सरकार का बहुमत है, वो राज्यसभा में नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा प्रश्न पूछकर या कोई संकल्प रेजुलेशन लाकर या प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। अब राज्यसभा क्या करेगी कि कोई रेजुलेशन ले आई, कोई प्रश्न पूछ कर या पूर्व प्रश्न पूछ कर या कोई काम रोको प्रस्ताव ला करें, वो जरूर काम में बाधा डालने का, अड़चन पैदा करने का काम राज्यसभा है वो कर सकती है, इसके अलावा है वो कुछ नहीं कर सकती। आगे बढ़िए अगले जो पॉइंट पर क्या कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लोकसभा संविधान में संशोधन कर सकती है, तो वो समान शक्ति किसको, राज्यसभा को भी प्राप्त है। राज्यसभा भी संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने का पावर है, वो राज्यसभा भी रखती है, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे बढ़िए, आपातकाल की घोषणा की है वो स्वीकृति देती है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति कौन देती है, लोकसभा देती है। इमरजेंसी की है जो घोषणा करनी है उसको कौन स्वीकृति देगी, सरकार, लोकसभा देगी। क्यों, क्योंकि सरकार है वो काम पर है, लोकसभा के अंतर्गत काम कर रही है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। अब जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भाग लेगी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने का भी कार्य करेगी, तो कौन करेगी, लोकसभा ये कार्य करेगी। लेकिन एज इट इज ऐसी की ऐसी जो सुविधा दी गई है वो किसको है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में है वो भागीदारी लेगी, और क्या है उन्हें यदि पद से हटाना है तो भी ये प्रस्ताव राज्यसभा भी लाएगी, और यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या है, तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाएगा। यानी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना है तो राज्यसभा की भी समान शक्ति है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो केवल और केवल कौन है, राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी, लोकसभा कभी भी पहले है वो प्रस्ताव नहीं लाएगी, पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा लाएगी और उसके बाद में लोकसभा एक रेजुलेशन पारित करके उनको पद से विमुक्त करने का कार्य किया जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला आपकी जो पॉइंट है, समिति और आयोगों का गठन करती है और उनकी प्रतिवेदनों पर विचार करती है। अब जो लोकसभा है वो क्या करेगी, अलग अलग कमेटियां गठित करेगी, अलग अलग कमीशन है वो गठित करेंगे ताकि विधि निर्माण में अन्य शासन प्रशासन के अंतर्गत उन संस्थाओं का है वो सहयोग लेकर कार्य किया जा सके। तो ऐसी की ऐसी स्थिति है वो राज्यसभा को भी है, राज्यसभा भी विधि निर्माण के मामले में कुछ एक जो संसदीय समितियां हैं उन समितियों को गठन करेगी ताकि विधि निर्माण के अंतर्गत उनको ये समितियां हैं वो सहयोग प्रदान करने का काम करे। तो समितियों के मामले में समान शक्ति है, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों की समान शक्तियां हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने में दोनों की समान शक्तियां हैं। फिर आपके प्रश्न पूछकर प्रस्ताव लाकर काम रोको, तो प्रश्न पूछकर या प्रस्ताव लाकर पूर्व प्रश्न, ये दोनों की समान शक्तियां हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाएगा, राज्यसभा में। संविधान संशोधन में दोनों की है वो समान सूची है, और फिर जो लोकसभा है वो संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने में उसका विशेष अधिकार है। उसी तरह राज्यसभा का भी किस पर है, राज्य सूची का कोई विषय, संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो राज्यसभा को है, स्टेट से संबंधित। क्यों, इसलिए क्योंकि जो राज्यसभा है वो राज्यों की प्रतिनिधि है। मैंने कहा था कि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो कौन करते हैं, विभिन्न अलग अलग राज्यों के अंतर्गत जो सीटें हैं वो वहां की जो MLC के द्वारा किया जाएगा, वहां की विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। तो ये सामान्य बात थी। अब देख लेते हैं राज्यसभा की कुछ एक शक्तियां क्या है, उनको विशेष दोष है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है जिसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है।
इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दे को सहमति और अस्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रीय हित में या संघ सूची या समवर्ती सूची का हस्तांतरित करना चाहे तो राज्यसभा उसको स्वीकृति दे सकती है। यानी कोई राज्य से राज्य सूची का कोई विषय है और जिस पर केंद्र सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो उसके लिए पहले राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है और राज्यसभा स्वीकृति देगी तो ही उस पर वो संसद कानून बना सकते हैं। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। यानी राज्यसभा को क्या है, राज्य सूची के विषय पर विशेष अधिकार, राज्य सूची के विषय पर क्या है बच्चों, विशेषाधिकार, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने को दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी यदि देखा जाए हमारे भारत के अंतर्गत तो एक दलगत स्थिति की पैदा होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है और जो सामान्य स्थिति में वास्तविक रूप में इंप्लीमेंट होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मतभेद है। हम देखेंगे कि उन्होंने कहा कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही राज्यसभा, लेकिन वास्तविक रूप में आप देखोगे तो राज्यसभा में सभी सदस्य वो दलगत राजनीति से, कांग्रेस पार्टी के कितने हैं या बीजेपी के कितने हैं या अन्य सपा बसपा के उनके कितने हैं, तो ये अलग अलग दलगत स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व हो रहा है, वास्तविक दृष्टि से राज्य के तौर पर प्रतिनिधित्व हो रहा है ऐसा कहना है वो उचित नहीं होगा। तो ये एक वास्तविक स्थिति। लोकसभा की भी कुछ ऐसी शक्तियां जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक को कहां पर है, ये लोकसभा की विशेष शक्ति। एक विशेष शक्ति आप राज्यसभा की भी वहां पर नोट कर लीजिए। राज्यसभा की एक विशेष शक्ति ये है कि अखिल भारतीय यदि सेवाओं का सृजन करना है तो राज्यसभा ही करेगी, ये इसकी विशेष शक्ति है। उसमें लोकसभा है वो कुछ भी नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण तीन बातें इसकी विशेष शक्तियां। पहली बात तो क्या है, राज्य सूची पर कानून बनाने का विशेष अधिकार। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित करने के मामले। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सर्वप्रथम राज्यसभा में ये मामला पेश किया जाएगा और राज्यसभा ये पारित करेगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो यदि इनकी विशेष शक्तियों को पूछा जाए, बाकी तो सामान्य शक्तियां थी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, क्या है शक्तियां, ये कुछ एक शक्तियां सामान्य, लेकिन विशेष प्रोविजन किया जाए तो ये तीन बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी कि राज्य सूची का मामला या फिर अखिल भारतीय जो अखिल भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनको सर्जित करनी है या फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो प्रथम पारित कहां पर होगा, राज्यसभा में होगा। इसी तरीके से कुछ लोकसभा के भी विशेष प्रोविजन विशेष शक्तियां दी गई हैं कि कोई भी धन विधेयक होगा वो हमेशा लोकसभा में ही रहेगा। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, ये एक विशेष प्रोविजन है लोकसभा को दिया गया। यानी राज्यसभा को इस मामले में क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही गौण अधिकार है। राज्यसभा की गौण भूमिका कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा 14 दिन तक आप उसको रोक सकते हो, रोक भी दोगे तो भी पारित माना जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, भाई उसे संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राज्यसभा के प्रति नहीं है, अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। तो ये लोकसभा की विशेष शक्ति है। लोकसभा मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्यों, क्योंकि उनका बहुमत है वो लोकसभा के अंतर्गत है, और राज्यसभा है वो क्या कर सकती है, लोकसभा की आलोचना कर सकती है लेकिन उनको पद से हटा नहीं सकती, इस बात का ध्यान रखें। समान शक्तियां वही सामान्य और संवैधानिक स्थिति पारित करने पर, नियंत्रण करने पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, ये संबंधित कुछ शक्तियां जो दोनों को क्या है, दोनों को समकक्ष रूप में दी गई है, तो इस बात का आप ध्यान रखें।
आगे बढ़िए। संसद की कानून बनाने की प्रक्रिया, अब क्या है कि कोई भी कानून बनाया, आपसे अपने आप में ये बड़ा सवाल बनता है कि कोई भी कानून बनाना, संसद कोई भी कानून बनाएगी तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके प्रोसीजर को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, वो किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, वो चीज आपको बताएगी, यानी संसद की कानून बनाने की शक्ति। संसद की कानून बनाने की शक्ति, प्रोसीजर, प्रक्रिया। प्रोसीजर क्या है, क्या कोई विधेयक है वो लाया गया, क्या किया गया, कोई विधेयक जिसको बिल कहा जाता है वो बिल ले आया, ठीक है। विधेयक अगर धर्म विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है। अब विधेयक कैसा है, सामान्य विधेयक है या धर्म विधेयक, विधेयक किस तरह का विधेयक है, वो एक तो सामान्य विधेयक है और दूसरा यदि धर्म विधेयक, धर्म विधेयक का मतलब जिसका संबंध है पैसों से, सरकार को पैसे चाहिए काम करने के लिए या किसी भी तरह का विनियोग बिल है तो वो धन मनी बिल है। तो मनी बिल है या नहीं है, कोई भी बिल ले आए कहां पर है, धन विधेयक है तो उसको आप पेश कहां करोगे, लोकसभा में करोगे। और यदि धन विधेयक नहीं है तो कहां पर है, कहीं भी बिल को पेश किया जा सकता है। कहीं भी का मतलब क्या हुआ, राज्यसभा के अलावा कौन सा सदन है, लोकसभा, वहां पर बिल है वो पेश किया जाए, ठीक है। ये हम ले आए बिल और उस बिल को क्या है, हमारे लिए धन विधेयक है या नहीं है, किसी भी सदन में हम पेश करेंगे, धन विधेयक नहीं है, आगे बढ़िए। विधेयक समिति के पास भेजा जाएगा और उस पर सदन है वो चर्चा करेगा। अब बिल क्या था, सामान्य प्रकृति का बिल था और बिल को माना कि हमने कहां पर पेश कर दिया, लोकसभा में पेश कर दिया, ठीक है। लोकसभा में बिल पेश कर दिया, लोकसभा के अध्यक्ष ने डिसाइड भी कर लिया कि ये कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है, वो निर्धारित लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो उन्होंने कर लिया कि ये धन विधेयक नहीं है, सामान्य विधेयक है, ठीक है, सामान्य विधेयक रख लिया लोकसभा। अब लोकसभा उस क्या करेगी, उस विधेयक को एक समिति के पास भेजेगी, किसके पास, प्रवर समिति है या जो सदन की समिति है लोकसभा की समिति, उस समिति के पास भेजा जाएगा और सदन है वो उस बिल पर क्या करेगा, चर्चा करेगा कि किस तरह का मामला है। अब बिल पर कौन चर्चा कर रही, समिति कर रही, कौन पर कर रही, कोई कमेटी है वो उस बिल पर चर्चा कर रही है। विधेयक पेश किया, धन विधेयक नहीं था, लोकसभा में माना कि पेश हो गया और लोकसभा ने उस पर एक समिति गठित की, वो समिति है उसको जांच कर रही है बिंदुवार, ठीक है, और सदन उस पर चर्चा कर रहा है। समिति उसकी रिपोर्ट देगी, समिति क्या करेगी, रिपोर्ट देगी और सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते, कौन सा सदन, लोकसभा, क्यों, क्योंकि लोकसभा में मैं बिल लाया गया था, लोकसभा में ही मेरे द्वारा बिल है वो प्रस्तुत किया जा रहा था, इसलिए लोकसभा ने समिति गठित की और उस समिति ने अपनी है वो रिकमेंडेशन दी, अपनी रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट है वो किसको दी, वापस लोकसभा को दी गई, ठीक है, माना कि ये लोकसभा है। ये भी तो रिकमेंडेशन उनको दी। अब वो समिति के द्वारा जो दी गई अनुशंसाएं, समिति ने माना कि कुछ इसमें से कहा, जैसे कि कोई बिल है उस बिल का हम नाम दे देते हैं कि निर्वाचन के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, उसमें हम 18 साल से बड़ा करें 21 साल करना चाहते हैं, ये बिल लोकसभा में पेश किया, लोकसभा ने क्या किया, लोकसभा की समिति को भेज दिया गया और सदन में चर्चा हो रही। अब एक तरफ क्या किया, समिति ने वापस रिपोर्ट दी, किसको, लोकसभा को है वो रिपोर्ट पेश कर दी, लोकसभा को है वो रिपोर्ट दे दी गई। अब लोकसभा इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन दी, इस समिति ने रिपोर्ट दी कि साहब आप एक काम कीजिए, आप 18 साल से इसको 21 साल बढ़ाने का कर रहे हैं, एक काम करो आप है वो इसको 20 साल की उम्र कर, ठीक है, किसने, लोकसभा की एक समिति ने मुझे रिकमेंडेशन किया, लोकसभा को किया। अब लोकसभा इसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे वो किस पर निर्भर कर रहा है, लोकसभा पर कर रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वीकार करो या अस्वीकार करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोकसभा ने माना कि क्या कर लिया, अस्वीकार कर लिया, ठीक है, अस्वीकार करके कि कोई सुधार नहीं करना जिस रूप में दिया गया था। अब उस विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी,
बिल्कुल वापस रखा। अब विस्तृत सभी सदस्य हैं वो लोकसभा के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सभापति है लोकसभा का, जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो जैसे वर्तमान में ओम बिरला है, तो वो सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी को समय दे रहे हैं कि हम जो उम्र बढ़ाने का विचार कर रहे थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, क्योंकि बड़ी आबादी को है वोट में हम लेना इस समय संभव नहीं है, इसलिए 18 से 21 बढ़ाकर कर रहे हैं, तो सभी का क्या क्या राय। अब सभी अपनी बात को धारापरक रूप से रखेंगे ताकि दृष्टिकोण से वाद विवाद होगा वो अलग विषय, सदन विस्तृत चर्चा करें। ठीक है, सदन की विस्तृत चर्चा के बाद क्या हुआ कि विधेयक या तो पारित हो जाएगा या रद्द हो जाएगा। अब सदन उस पर धारापरवाह रूप से चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा के अंतर्गत सरकार का बहुमत ज्यादा है तो सरकार उसको क्या करवा लेगी, पास करवा लेगी। माना कि वो बिल क्या हो गया लोकसभा से तो पास हो गया, या फिर बहुमत नहीं है तो क्या हो जाएगा वो वहीं पर रोक जाएगा, यानी बिल है पास नहीं होगा तो बिल है वो रद्द माना जाएगा, लेकिन बिल है वो पास हो गया सपोज कीजिए, आगे बढ़िए दूसरे सदन में भेजा जाएगा। बिल पास हुआ जैसे ही दूसरे सदन में हम भेजेंगे, माना कि अब हम कहां भेज रहे हैं राज्यसभा के, ये राज्यसभा के अंतर्गत बिल को भेज दिया गया। दूसरे सदन या तो इसे मंजूरी देगा या इस पर सुझाव देगा। अब दूसरे सदन का राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा को लगाया कि कहीं ना कहीं इसमें है वो संशोधन सुधार करने की आवश्यकता है, तो राज्यसभा ने सुझाव पेश कर दिया। क्या कर दिया, सुझाव पेश कर दिया। क्यों, क्योंकि जो बिल है मेरा वो सामान्य प्रकृति का धन विधेयक है, नहीं मैं क्या कर रहा हूं उसमें जो आयु है वो 18 से 21 साल करनी, आयु हम बढ़ाने की सॉरी बात कर रहे हैं, तो सामान्य बिल है धन विधेयक नहीं, धन विधेयक नहीं है तो हमने क्या कर दिया, चूंकि धन विधेयक होगा तो भी राज्यसभा में पेश करना पड़ेगा, लेकिन सामान्य बिल है लोकसभा ने पास कर दिया, आगे राज्यसभा ने हमने राज्यसभा को भेज दिया। अब राज्यसभा ने उसको सुझाव दिया कि काम करो या तो आप ज्वाइंट कमेटी गठित करो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की और उस कमेटी को दो, वह कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी उसके आधार पर हम बिल को है वो पारित करेंगे। एक तो ये सुझाव हो सकता है राज्यसभा का। दूसरा, राज्यसभा क्या है गतिरोध कर रही है, उसको पास आउट नहीं करिए, सामान्य प्रकृति का बिल है और सरकार को लगा कि ये बिल हमें पास करवाना है, तो सरकार क्या करेगी अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके एक जॉइंट जो अधिवेशन है संसद का, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 108 का है वो क्या है सरकार प्रयोग कर सकती है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी सदन का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन का मतलब यह हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों कोई एक ही हाउस में बैठाया जाएगा और दोनों से एक ही मत करवाए जाएंगे, यानी अलग अलग में होता है तो लोकसभा अपने अलग है वो वोटिंग करेगी। मैंने क्या किया गया, 11th क्लास के जैसे कोई बच्चे, 11th क्लास के बच्चे हैं वो लोकसभा है, 12th के हैं वो राज्यसभा, लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा 12th में वो गतिरोध पैदा हो गया। तो अब क्या है, अब जो स्कूल के संस्थापक प्रधान अध्यापक उनके पास पावर है, उन्होंने आर्टिकल 108, राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 108 का प्रयोग किया और दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया और उसमें हम वोटिंग करवा लेंगे। एक तो बेस्ट तरीका है आपका ये। दूसरा तरीका वही था कि राज्यसभा उसको पास आउट कर देती तो उस बिल को राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाता और राष्ट्रपति जी उस पर जो ही हस्ताक्षर करेंगे वह बिल में विधि का रूप यानी कानून का रूप ले लेते, लेकिन यहाँ पर गतिरोध पैदा हो गया है तो राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अधिवेशन बुला लिया। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया और संयुक्त अधिवेशन बुला लिया तो ऐसी स्थिति में यह देखा गया ज्यादातर मामलों में क्योंकि संयुक्त अधिवेशन हाल ही में संसद के 2 बार ही हाल तक है वो संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट अधिवेशन बुलाए गए, ज्यादा नहीं बुलाए गए। तो जो ही संयुक्त अधिवेशन में सामान्यतः ये होता है कि सरकार की वो जीत हो जाती है लोकसभा की, सामान्यतः ये माना गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार है वो लोकसभा है उसमें जीते उनकी ज्यादा वोटिंग हो, ये आवश्यकता नहीं। एक तो तरीका ये, जो ही संयुक्त अधिवेशन में उसको पारित कर दिया तो बिल राज्यसभा सॉरी जो बिल है वो राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा। ज्वाइंट सेशन ने क्या कर दिया, उसको पास आउट कर दिया, बिल कहां चला जाएगा राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा। संयुक्त अधिवेशन ने बिल पास किया, अब बिल है वो राष्ट्रपति जी के पास चला गया और जो है राष्ट्रपति जी उस पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, बिल क्या बन जाएगा, बिल है वो कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा, इस स्थिति में भी कानून बन जाएगा। अब क्या है कि सॉरी दूसरा तरीका ये हमने मान लिया कि जो
ज्वाइंट सेशन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी और राज्यसभा ने उसको पास कर दिया। बिल कहां गया? राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। राज्यसभा ने तो उसको मंजूरी दे दी, क्या ठीक है आप आयु को कम कर सकते हो, यानी राज्यसभा ने उसको मंजूरी दे दी। चर्चा करने के बाद जो ही चर्चा करने के बाद मंजूरी दी तो लोकसभा पहले दे चुकी थी, कहां पर बिल गया? राष्ट्रपति जी के पास में वो विधेयक चला गया। राष्ट्रपति जी के पास विधेयक गई तो वहां भी दो स्थिति, आप देखोगे हर जगह दो स्थितियां आई, हर जगह दो स्थितियां आई। मैं उनको वापस आपको ब्रीफिंग करूंगा, आप देखना कि राष्ट्रपति जी के पास गया दो स्थिति। अब राष्ट्रपति जी एक तो तरीका यह है कि उस पर सिग्नेचर कर दीजिए, जो है राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो वह बिल है क्या हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगी और जो उम्र हमने तय की थी 18 से 21 तो वो आपका पारित माना जाएगा। लेकिन दूसरा राष्ट्रपति जी ने क्या किया, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया कि आप एक बार इस पर क्या कीजिए, पुनर्विचार कीजिए। मुझे लग रहा है मेरी दृष्टि में मुझे संविधान का कहीं ना कहीं कोई अतिक्रमण करने वाला उपबंध लग रहा है या अनुचित है या फिर नागरिकों के मूल अधिकार के विरोध में ये कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रपति जी को ऐसा लगा तो राष्ट्रपति जी हैं वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, सिग्नेचर कर दिए तो बिल बन जाएगा। राष्ट्रपति जी विधेयक को मंजूरी देते हैं तो क्या है, कानून बन जाएगा। और राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया गया, किसको? जहां से आया वहीं वापस उसको भेज दो, वहीं वापस होगा तो उसको वापस उस पर चर्चा की जाएगी और किसको, मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा, मंत्रिपरिषद को भेजा जाएगा। मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार करेगी, पुनर्विचार करके मंत्रिपरिषद क्या करेगी, विचार कर लिया मंत्रिपरिषद ने और राष्ट्रपति जी को लौटा दिया गया, ले आई राष्ट्रपति जी ने मंत्रिपरिषद को दिया, दो दिन उन्होंने बंद रखा, कुछ भी चर्चा नहीं की, वापस भेज दिया कि इस पर साइन करो। तो मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद में जो ही विधेयक को लौटाएगी तो उस पर बाध्यता होगी कि राष्ट्रपति जी को अब सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, अब कोई तरीका नहीं है। और राष्ट्रपति जी जो ही सिग्नेचर करेंगे क्या है, वह विधि बन जाएगी। तो ये कानून निर्माण की एक प्रक्रिया चलती है, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर है आपको पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहती है, आपके स्टैंडर्ड पर ये दी हुई है। इसको पुनः आप एक बार नए सिरे से देख लो कि कोई विधेयक है, कोई विधेयक है ना, बिल क्या है, कोई सार्व जो मतदान करने की उम्र है उनको हम क्या करें, बढ़ा रहे, मतदान की उम्र 18 से कितनी कर रहे हैं, 21 साल कर रहे हैं। अब विधेयक को कहां पेश किया गया, विधेयक को माना कि हमने लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में पेश किया तो कैसी स्थिति आई, दो स्थिति आई, या तो लोकसभा उसको मंजूरी दे देगी या क्या करेगी, लोकसभा की एक समिति है उसको दे देगी कि समिति उसमें क्या करेगी, जांच करेगी। अब समिति ने उसमें क्या किया, जांच किया और वापस लोकसभा को बिल पकड़ा दिया, लोकसभा ने क्या किया, मंजूरी दे दी उसको, क्योंकि मंजूरी दो चीजें, एक तरफ तो लोकसभा क्या कर रही, वहां पर चर्चा कर रही है, लोकसभा ने कहा कि हम इस पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा में रखा गया बिल, लोकसभा चर्चा कर रही है, दूसरे समिति को जांच करने हेतु दे दिया गया। अब समिति ने वापस बिल सौंप दिया, जांच करके कहा कि आप आयु है वो कितने करो, 18 से 20 साल करो, 20 साल करो, 21 साल मत करो। तो अब यह संशोधन मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर कर रहा है। लोकसभा ने बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया, पास किया बिल कहां जाएगा, राज्यसभा, कहां गया, राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा के पास में भी दो स्थितियां, राज्यसभा एक तो उनको क्या करे, चर्चा करेगी, वो तो सीधी स्वाभाविक की बात है, चर्चा करके फिर उसको मंजूरी दे सकते हैं या मंजूरी नहीं देगी, या तो मंजूरी दे देगी तो आगे राष्ट्रपति जी को भेज देंगे, लेकिन मंजूरी है वो राज्यसभा नहीं दे रही है और राज्यसभा क्या कर रही है, बखड़ा है वो खड़ा करने का काम कर रही है, उस पर है नहीं कर रही। तो तरीका ये, मंजूरी नहीं दे रही तो सरकार के पास एक ऑप्शन है, राष्ट्रपति जी को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और संयुक्त अधिवेशन में बिल को क्या है, पास कर दिया जाएगा और फिर राष्ट्रपति जी को है वो भेजा जाएगा। ये स्थिति होती है, तो नहीं हुई, राज्यसभा ने उसको मंजूर कर दिया, यानी बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और पास होने के बाद कहां चला गया, राष्ट्रपति के पास चला गया।
अब राष्ट्रपति जी उसको मंजूरी दे देंगे तो कानून बन जाएगा। मंजूरी जो ही मंजूरी दी क्या हो गया, कानून बन गया। मंजूरी दी कानून बन गया। और पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया तो मंत्रिपरिषद उस पर विचार करेगी और वापस भेजने के बाद में क्या है वो कानून का रूप ले लेगा। ये बेसिक हमारे था संसद की विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको हमने समझने की कोशिश। अगला आप देखिए विधि तो ये बनाने की काम की, यानी कोई विधि है। विधेयक का अर्थ हुआ सामान्यतः बिल। विधेयक का जो अर्थ होता है वो होता है बिल। क्या लाए? बिल लाए। वह सब्जी तेल का बिल नहीं होगा, यानी कोई कानून हेतु है वो एक दस्तावेज पेश किया जा रहा है वो बिल। तो बिल के कितने प्रकार है, हमने वो बिल बनाने की विधि तो देख ली कि भाई हमने कोई भी कानून बनाने उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा उसको देखा। तो अब विधेयक के प्रकार कितने उनको देखेंगे। बच्चों जो विधेयक के प्रकार है वो बेसिक रूप से माना गए हैं, वो आप देखोगे एक तो बेसिक तौर पर माना गया वो तीन प्रकार बने। सामान्य तौर पर ये कह रहा हूं, सामान्य तौर पर इसके तीन भेद हैं। सामान्य तौर पर कौन सा है, एक तो आपका हो गया सामान्य भेद। आप कहोगे साहब सामान्य भेद से क्या मतलब रहा? वही सामान्य भेद को कृषि से संबंधित है या किसी की विवाह की उम्र घटाकर बढ़ाने कर करनी है या अन्य प्रकृति का बिल है, जैसे हमने कहा कि मतदान किए वो हमें 21 साल करनी कहाँ से 18 से लेकर, यह सामान्य प्रकृति का बिल। दूसरा बिल है आपका धन बिल, धन विधेयक। धन विधेयक को या धन बिल को एक ही बात। और तीसरा है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक बिल का। तो तीन तरह के हैं वो सामान्यतः विधेयक, सामान्यतः बिल माने जाते हैं। सामान्य प्रकृति का धन विधेयक जिसका संबंध किसे पैसों से है वह धन विधेयक, वित्त से संबंधित है। और तीसरा है वो संविधान संशोधन विधेयक, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कुछ या तो जोड़ने हैं या फिर कुछ चीज तोड़नी है या फिर नया उपबंध है वो इंक्लूड करना है, तो क्या हो जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। ये सामान्य तौर पर। लेकिन हमारे इसमें जो आपके भेद दिए गए हैं उनको आप देख लीजिए, छह भेद हैं वो दिए गए। कौन से? सरकारी विधेयक है, दूसरा निजी विधेयक है, तीसरा है वो आपका वित्त विधेयक है, और चौथा कौन सा है गैर वित्त विधेयक। और गैर वित्त विधेयक के दो उपभेद, ये देखो क्या है उपभेद है, ये उपभेद है। आप कहोगे साहब सरकारी विधेयक क्या? सरकारी विधेयक का अर्थ ये हुआ कि कोई जो बिल पेश किया गया, कोई बिल पेश किया जैसे उम्र घटाने वाली बात से, अब इस बिल को किसी मंत्री ने किया, क्या किया है किसी मंत्री ने है पेश किया है, तो क्या हो जाएगा वह सरकारी विधेयक कहला जाएगा। किसी मंत्री ने पेश किया है, किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया बिल सरकारी विधेयक कहलाता है, सामान्य बात है। मंत्री ने पेश किया है तो क्या कहलाया जाएगा आपका सरकारी विधेयक कहला जाएगा। दूसरी बात क्या है निजी विधेयक। निजी विधेयक यानी कोई मंत्री नहीं है, किसी भी पद पर वो मंत्री नहीं है, चाहे कैबिनेट है चाहे राज्य है चाहे स्वतंत्र परिवार है, किसी भी तरह का मंत्री नहीं है। एक एमएलए ने उस बिल, सॉरी जो एक एमपी जी, जो कि लोकसभा राज्यसभा होंगे तो वहां एमपी जो होंगे और राज्य विधानसभाएं होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा एमएलए हो जाएगा। प्रोसीजर दोनों में एज इट इज होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो दूसरा यहाँ पर क्या है निजी बिल है। निजी बिल का मतलब हुआ कि मंत्री नहीं, किसी
सांसद द्वारा पेश किया गया बिल सांसद जो कि मंत्री के पद पर नहीं है, तो उसके द्वारा किसी सांसद द्वारा पेश किया गया बिल है वो क्या हो जाएगा, निजी सदस्य का विधेयक कहला जाएगा, निजी विधेयक कहला जाएगा। और निजी विधेयक है वो कम गुंजाइश होती है कि पास होने की, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ज्यादातर विधेयक है मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं। मंत्री है वो सरकार के ही होते हैं, सरकार के सदस्य होते हैं, इसलिए वो विश्वस्त लोग होते हैं, उनके द्वारा पेश किया गया बिल ही पास होता है। और निजी सदस्य में यानी सभी सांसद, चाहे लोकसभा राज्यसभा सरकार में कोई नहीं मेंबर है तो वह भी पेश करते हैं, तो ये बिल है वो कम गुंजाइश होती है पास होने की। तीसरा बिल है आपका वित्त विधेयक। कौन सा बिल है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक पर देख लीजिए, वित्त विधेयक मैंने कहा कि धन विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा कि बिल है वो धन विधेयक है कि नहीं विधेयक, तो ये वित्त विधेयक, इसको सामान्यतः कहेंगे धन विधेयक। धन विधेयक यानी वह विधेयक जिसका संबंध किससे है, धन संपत्ति से संबंधित है, जिस विधेयक का संबंध है वो धन से है, या तो कोई कर एकत्रित करने है या नए कोई नया कर लगाना है, नया कर लागू करना है, या फिर बजट से संबंधित है या विनियोग बिल है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके विनियोग बिल। क्या हो जाएंगे ये वित्त विधेयक कहलाए जाएंगे। तीसरा ये हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फोर्थ बिल है गैर वित्त विधेयक। क्या है? गैर वित्त विधेयक यानी जो क्या हो गए धन विधेयक नहीं हो जाएंगे, गैर वित्त विधेयक हो जाएगा। और इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो सामान्य विधेयक है, एक तो सामान्य विधेयक है, जैसे वही 18 से लेकर 21 साल तक करनी थी उम्र किसकी, मतदान की, तो एक तो ये सामान्य। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है संविधान संशोधन का। कौन सा है? संविधान संशोधन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मुझे क्या करना है, बदलाव करना है संविधान में, क्या करना है संशोधन करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या करना है बदलाव करना है, तो कौन सा हो जाएगा संविधान संशोधन। मतलब संविधान में कुछ विषयों में संशोधन संबंधी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, और इस विधेयक के मामले में दोनों सदनों को क्या है, समान शक्ति प्राप्त है, दोनों सदनों को शक्ति प्राप्त है। तो ये सामान्य, तो कोई भी आपको कानून बनाना है उस पर किस तरह से कानून, कौन से विधेयक है वो कौन से प्रकार होंगे, तो सरकारी विधेयक होगा जो किसी मंत्री संतरी के द्वारा पेश किया होगा, निजी होगा जिसमें मंत्री के द्वारा नहीं होगा, वित्त होगा धन से संबंधित होगा, गैर वित्त सामान्य बिल होंगे, एक तो सामान्य होगा जैसे 28 साल से 21 साल तक उम्र करनी है, या कोई विवाह से संबंधित है या अन्य किसी भी तरह से संबंधित है, और एक है संविधान संशोधन यानी संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन से संबंधित प्रोविजन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन है वो किसी भी सदन के अंतर्गत ये बिल लाया जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण थे विधेयक के प्रकार। तो हमने महत्वपूर्ण तौर पे देखा था कि किस तरीके से संसद है वो कार्य कर रही है, संसद की किस तरह की शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है, और फिर हमने देखा था कि लोकसभा और जो राज्यसभा है उनकी ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो समान रूप से हैं, और ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो दोनों के क्या है विशेष है, कुछ शक्तियां विशेष है राज्यसभा को ही दी हुई है, कुछ एक शक्तियां ऐसी है जो केवल और केवल किसको है LS लोकसभा को दी हुई है। फिर हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो इनको शक्तियां तो साफ दे दी आपने, लेकिन आखिर में ये लोग कानून कैसे बनाते, तो हमने ये प्रोसीजर देखा, एक तरीका देखा, उसका प्रक्रिया देखी कि कोई कानून बनेगा तो उसकी प्रक्रिया होगी, कोई एक बिल लाया जाएगा, वो बिल धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है, फिर उस विधेयक को क्या करेंगे किसी भी सदन में पेश कर लिया, माना कि हमने लोकसभा में पेश किया,
और लोकसभा के पास दो तरीके हैं, एक तो वह उस पर सदन में चर्चा करेगी और दूसरा उस विधेयक उस बिल को क्या करेगी, समिति लोकसभा की कोई होगी उस कमेटी को दे दी जाएगी, वह कमेटी उसके पहलुओं को जांच करेगी और कमेटी उसकी रिपोर्ट देगी किसको, लोकसभा को, फिर लोकसभा की इच्छा शक्ति है तो उसमें वह कमेटी की जो रिकमेंडेशन अनुशंसा है उनको स्वीकार भी कर सकती है अस्वीकार भी कर सकती है। माना कि उसने अस्वीकार कर ली या कुछ स्वीकार कर ली तो भी संशोधन करके बिल को क्या कर दिया, पास कर लिया और दूसरे सदन राज्यसभा में भेज दिया। अब राज्यसभा के पास भी दो तरीके, एक तो वह उसको पास आउट कर देगी तो राज्यसभा राष्ट्रपति जी के पास भेज देगी और राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करेंगे तो वह बिल बन जाएगा, और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या है, वापस लौटा दिया जाएगा तो मंत्रिपरिषद उनको क्या करेगी, पुनर्विचार करके वापस दे देगी तो राष्ट्रपति जी को उस पर सिग्नेचर करना होगा। अब दूसरी प्रक्रिया भी ये थी कि यदि राज्यसभा पास आउट नहीं कर रही तो बिल क्या है, वह गतिरोध पैदा हो गया सदन में, तो ऐसी स्थिति में सामान्य बिल है तो हमारे पास ये प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 108 के, जिसके तहत जॉइंट हाउस का है वो जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, जो दोनों हाउस को एक साथ बैठाकर उस पर चर्चा की जाएगी, और सामान्य प्रकृति में ये होता है कि सत्ताधारी जो जॉइंट सेशन बुलाते हैं वो पास हो जाता है बिल, लेकिन हर बार ये जरूर नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन में बैठक बुलाई जाएगी उस पर है वो विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी को भेज देंगे, राष्ट्रपति जी उस पर जो है सिग्नेचर करेंगे, बिल क्या है कानून का रूप ले लेगा। फिर हमने विधेयकों पर बात की है कि कौन कौन से निजी बिल थे, कौन से हैं वो प्राइवेट मेंबर के द्वारा दिया गया, कौन सा वित्त है, कौन सा गैर वित्त है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा जनरल बिल है। इस प्रकार मोटे तौर पर हमारी आज की क्लास है यहीं पर संपन्न हुई, अगली जो भी कोई क्लास होगी उसमें हम जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।